त्योहारों पर जब तक त्योहार वाला खाना ना बने तब तक मजा नहीं आता। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान सुपर क्रिस्पी फूली फूली ऐसी जबरदस्त रेसिपी जिसमें आपको स्वाद मिलेगा पूड़ियों का भी और कचौड़ियों का भी। आज हम बनाएंगे जबरदस्त क्रिस्पी मसाला पूड़ी और बिना कचौड़ी बनाई आपको मिल जाएगी कचौड़ियों वाली तारीफ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लीजिए आप एक बड़ी सी कोई परात या इस तरह का बर्तन, इसमें हम लेंगे 2 कप गेहूं का आटा। मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप सूजी। तो जिस कप से आपने आटा लिया ना या कटोरी से, उसी से आप 1/2 कटोरी सूजी ले लें। सूजी जो हमारी पूड़ियां बनेंगी उन्हें एकदम खस्तापन और क्रिस्पी रखेगी, जल्दी नरम नहीं पड़ेगी और एकदम वही कचौड़िया वाला क्रिस्प आएगा। अब जो नेक्स्ट चीज इसमें जाएगी वो है बेसन। 1/2 कटोरी या 1/2 कप ही हम लेंगे बेसन। बेसन बिल्कुल कचौड़िया वाला इसके अंदर देगा स्वाद, जरूर ट्राई कीजिएगा, मस्त रेसिपी है। अब यहाँ पर इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट। अदरक लीजिए, हरी मिर्च लीजिए और मिक्सी में मैंने इस तरह से उसका पेस्ट बना लिया। इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, पूड़ियाँ फटेंगी नहीं क्योंकि पेस्ट बना लिया ना। ऐसे साबुत डालते हैं तो पूड़ियाँ बेलने में परेशानी होती है। अब जाएगा इसमें 1 छोटी चम्मच नमक, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी अच्छे कलर के लिए, 1 छोटी चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। अब भाई मसाला पूड़ी बना रहे हैं जिसमें कचौड़ी का फ्लेवर आए तो आप ऐसे ही बनाइएगा, सारे मसाले बहुत जरूरी है इसमें। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च यानी रेड चिली फ्लेक्स, इससे ना लुकिंग बहुत अच्छी आएगी। 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, ये जो कॉम्बिनेशन मैंने डाला है लाल मिर्ची पाउडर से स्वाद और उसकी रंगत अच्छी आएगी, और जो हमने रेड चिली फ्लेक्स डाले उससे जो पूड़ी है ना उसकी लुकिंग बहुत अच्छी लगेगी। तो चाहे तो अगर रेड चिली फ्लेक्स ना हो तो सिंपल 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल लीजिए। नेक्स्ट इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच अजवाइन। तो हाथ से इस तरह मसल कर डालें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 1/4 छोटी चम्मच डाल रही हूँ हींग, जरूर डालिएगा, बहुत ही मस्त फ्लेवर आएगा, एकदम लगेगा जैसे गर्मा गर्म फूली फूली कचौड़ियां खा रहे हैं। और साथ में जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल, आप घी भी यूज कर सकते हैं, और अच्छी तरीके से सभी चीजों को करेंगे मिक्स। पहले अच्छे से इस तरह से मसल के करें जैसे कि सारे मसाले, सूजी, बेसन, हरा धनिया और ऑयल सब बिल्कुल बढ़िया से मिक्स हो जाए। मेरे यहाँ तो ये मसाला पूड़ी बनती ही रहती है, सबको बहुत ही पसंद है। आलू की सब्जी अभी मैंने आपके साथ शेयर की थी ना, बिल्कुल हलवाई स्टाइल वाली, उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे देखकर सब्जी घर में ट्राई कर सकते हैं। वैसे तो इसको खाने के लिए सिर्फ चाय भी बहुत है, कुछ नहीं चाहिए साथ में। अब इसका हम लगाएंगे आटा, तो उसके लिए आप लीजिए हल्का सा गर्म पानी यानी वार्म वाटर, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, इससे क्या होगा जो सूजी वगैरह डाली है ना वो बढ़िया से बिल्कुल फूल जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एक साथ बिल्कुल नहीं डालेंगे, और पूड़ियों की तरह इसका एकदम सख्त आटा लगाएंगे। जितना बढ़िया मसल मसल कर आप आटे को गूंथेंगे उतनी बढ़िया आपकी मसाला पूड़ी तैयार होगी। लगभग मैंने 1 कप के करीब पानी लिया था, उसमें से 3/4 कप के करीब पानी इसमें लगा है। अच्छा, बहुत ज्यादा ना सख्त भी मत कीजिएगा क्योंकि सूजी डाली है ना तो अभी सेट होगा तो सूजी पानी अब्सॉर्ब कर लेगी तो ये और सख्त हो जाएगा, उसी हिसाब से आप आटे को गूंथें। अब यहाँ पर डालिए कुछ बूंद ऑयल की 1 छोटी चम्मच के करीब, और एक बार और ऑयल लगा करके आटे को हम मसल लेंगे। तो आटा हो गया है हमारा बढ़िया से तैयार, तो इसको हम रख देंगे लगभग 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए। ऊपर से ढक देंगे हल्का गीला कपड़ा। तो लगभग 15-20 मिनट हो गए हैं, आटे को चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, आटा एकदम बढ़िया से सेट हो गया है। एक बार और आटे को बढ़िया से मसल लेंगे और एक सार कर लेंगे। तो लीजिए आटा हो गया है हमारा बिल्कुल बढ़िया से सेट, और देखिए बिल्कुल सख्त है। तो ऐसे रोल करके इसको कर लेंगे हम 2 भाग में डिवाइड, और अब इसमें से हम मीडियम साइज की जैसे पूड़ियों के लिए करते हैं ना बस लोइयां तोड़ लेंगे। अब आप लीजिए एक लोई और इस तरह से सब तरफ से कीजिए टक, इससे आपको लोई का पेड़ा बनाना आसान होगा, और गोल घुमाते हुए हथेली के बीच में मसलते हुए इसका एकदम स्मूथ हम पेड़ा तैयार करेंगे बिल्कुल इस तरह। तो सभी पेड़े हम बिल्कुल इसी प्रकार तैयार कर लेंगे, परफेक्ट, इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल इस तरह आपको तैयार करना है। और ये लीजिए सारी लोई के पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं बिल्कुल इस तरह से। एक हम अपना पेड़ा लेंगे और बाकी सारे पेड़े को हम ढककर रखेंगे जिससे कि वो सूखे नहीं। अब प्लेटफॉर्म को या चकली को जहां पर आप बनाने वाले हैं उसको थोड़ा कुछ बूंद ऑयल डाल करके चिकना कर लेंगे। यहाँ पर हमें आटे की डस्टिंग का बिल्कुल यूज नहीं करना है क्योंकि पूरी कचौड़ी बनाने में आटा डस्ट नहीं होता है, उससे पूरा ऑयल भी गंदा हो जाता है और वो बात नहीं आती। और ऑयल लगा करके बेलन को भी थोड़ा सा चिकना कर लीजिए, और बस बिल्कुल जेंटली हल्के हाथ से हम अपनी मसाला पूड़ी को बेलेंगे।
जरूरी बात, यहाँ पर जब आप बेलें तो आपको ऐसा नहीं करना है कि एक ही जगह आप सारा प्रेशर दिए जा रहे हैं, थोड़ा सा घुमाते हुए, बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल लाइट हैंडेड। इससे पूरी आपकी फूलेगी भी और बिल्कुल बढ़िया लंबे समय तक क्रिस्पी रहेगी। दूसरी चीज, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में पतली रह जाए और किनारे मोटे हो जाए, समान होनी चाहिए हमारी पूरी। और ये देखिए बिल्कुल मीडियम थिकनेस की, ये देख रहे हैं ना आप, बहुत ज्यादा पतली नहीं रखेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी कचौड़ी नुमा हम बना रहे हैं ना, तो ये थोड़ी सी मीडियम थिकनेस की ही बढ़िया लगेगी। तो इसी तरह हम सारी ही अपनी मसाला पूरी बेल लेंगे। बस जो पूरी बेलने में मेन चीज आपको याद रखनी है, एक ही जगह प्रेशर नहीं देना है, समान सब घुमाते हुए। बाकी तो कुछ भी नहीं है, इसको बनाना बहुत ही आसान है। एक दो पूरी के बाद ना, अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी, परफेक्ट। तो सारी पूड़ियां हम इस तरह से बेलकर पहले तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, मैंने इतनी पूड़ियां बेल ली हैं, इनको पहले तल लेते हैं। पूड़ियां तलने के लिए गैस पर हम चढ़ाएंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे ऑयल, हम लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म करेंगे। बहुत ही जरूरी पॉइंट, एकदम फूली फूली क्रिस्पी पूड़ियों के लिए तेल का अच्छा गर्म होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप पूड़ी जब डालें तो वो तुरंत से फ्लफ होकर ऊपर आ जाए। ऑयल में से बिल्कुल बढ़िया हीट आ रही है, फ्लेम मैंने मीडियम की हुई है। अब यहाँ पर एक छोटा टुकड़ा डालकर देख लेंगे। ये देखिए बढ़िया बबल्स आ रहे हैं और आटा एकदम से ऊपर आ गया है, बिल्कुल परफेक्ट गरम तेल है, तो इसे तो निकाल देंगे और एकदम बढ़िया गरम तेल में हम अपनी मसाला पूरी डालेंगे। अभी बिल्कुल टच नहीं करेंगे, जैसे ही हल्की सी ऊपर आने लगेगी, बस इस स्टेज पर आप एक करछी से हल्का सा प्रेस करते हुए इसको तलेंगे। ये देखिए परफेक्ट फूल गई ना। और बस थोड़ा थोड़ा गरम तेल सावधानी से इसके ऊपर हल्का हल्का डालेंगे, जिससे इसकी ऊपर की सतह एकदम क्रिस्प हो जाए। 100% आपकी एक एक पूरी फूल फूल कर बनेगी और जो क्रिस्प आएगा तो मजा आ जाएगा। ये देखिए, और जब नीचे से बढ़िया गोल्डन हो जाए, इसे आप पलट दीजिए। आया है ना एकदम कचौड़ी वाला टेक्सचर, यानी पूरी प्लस कचौड़ी का जो कॉम्बिनेशन है वो ये है मसाला पूरी। तो बस इस स्टेज पर बढ़िया से गोल्डन हमारी मसाला पूरी हो जाएगी, इसको हम निकाल लेंगे। और देखिए मैं बिल्कुल पास में ही आपके सामने प्लेट पर पूड़ियां रखती जा रही हूँ, और आप देखिएगा एक भी पूड़ी ना नरम नहीं पड़ेगी ना ही पिचकेगी, बिल्कुल ऐसे ही काफी देर तक फ्लफी रहेगी, जिस तरह हमने इसको बनाया है। अब हम अपनी दूसरी मसाला पूड़ी डालेंगे। मैं एक एक करके आपको इसलिए दिखा रही हूँ जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, आप चाहें तो एक साथ दो से तीन दिन भी मसाला पूड़ी तल सकते हैं। जरूरी पॉइंट, बिल्कुल बढ़िया गरम तेल और फ्लेम को रखिए नॉन स्टॉप मीडियम, और अगर बीच में आपको ड्रॉप लगे कि टेम्परेचर गिर गया है तो फिर आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ठंडे तेल में या लो फ्लेम पर पूड़ी को तलेंगे तो वो बिल्कुल बढ़िया पफी फूलेगी नहीं। हमारे घर में थोड़ी सी लाल लाल पसंद की जाती है, जैसे देख रहे हैं एकदम गोल्डन टेक्सचर, इसलिए मैं थोड़ी ज्यादा सेक रही हूँ, आप अपने अनुसार कम ज्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन जो टेस्ट इसमें आएगा ना, 100% मेरी गारंटी है, आप इसे यूं ही गर्मा गर्म रूखा ही खाएंगे बगैर किसी सब्जी और रायते के साथ, और जल्दी भी सिक जाती है, बिल्कुल कम समय लगेगा। और ये देखिए मैं दूसरी वाली भी यही रख रही हूँ। और इसी तरह हम अपनी सारी कुरकुरी करारी खस्ता कचौड़ी स्टाइल मसाला पूड़ी तलेंगे। बढ़िया फूल का जो नीचे गोल्डन कलर दिख रहा है, इसे पलट देंगे। इसका जो टेक्सचर आता है ना, इसी से ही आपका दिल खुश हो जाएगा। जिस ट्रिक से जो रेशो मैंने आपको बताया है, 100% बहुत देर तक क्रिस्पी बनी रहेंगी, खाने में मजा आ जाएगा। और ये मसाला पूड़ी को ना थोड़ा कचौड़ी की तरह सेका जाता है, थोड़ा सा ज्यादा गोल्डन, तभी ये खाने में बढ़िया लगती है। और ये देखिए मेरी गर्मा गर्म मजेदार मसालेदार हमारी मसाला पूड़ी है बिल्कुल तैयार। देखा आपने, एकदम मस्त, सॉफ्ट भी, क्रिस्पी भी, खस्ता भी, मजेदार, सारे टेक्सचर जो खाने में लगेंगी एकदम खस्ता कचौड़ी। और देखिए मैंने आपके सामने सारी पूड़ियां सेकी थी और वो अभी तक फूली हुई हैं, ये देख रहे हैं आप, तो आप समझ सकते हैं ना कि बनी है ना एकदम बढ़िया, जल्दी नरम भी नहीं होंगी, पिचकेंगी भी नहीं। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है फ्रेंड्स, जरूर 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 बनाने वाली रेसिपी है, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको आज की ये मजेदार खस्ता क्रिस्पी मसाला पूड़ी, मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए, मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर करें। और इसी तरह आप मुझे सपोर्ट और फॉलो करें मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज कुक विद पारुल पर भी। सभी रेसिपीज की रिटन डिटेल आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।